गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, काना गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ अपने प्लांट्स की परचेजिंग शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे प्लांट्स आज मैंने परचेज़ किए हैं, अपने घर के पास की नर्सरी से ही करे हुए हैं, तो आज वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक ठीक सामने बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट आपको दिख रहा होगा। ये प्लांट मैं बहुत दिन से चाह रही थी परचेज़ करना, ये भी लिया है। और भी बहुत सारे प्लांट्स मैंने परचेज़ किए हैं, तो चलिए शुरू करती हूँ। ये है मेरा पहला प्लांट जो कि पेंसिटिया का प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत कलर है। ये वाला कलर मेरे पास पहले नहीं था, मेरे पास रेड और पिंक पेंसिटिया थे, बट ये वाला नहीं था। और ये भी मैंने आज परचेज़ किया जो कि एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है, और ये भी मुझे 300 रुपये का मिला है फ्रेंड्स। और काफ़ी कॉस्टली आज की परचेजिंग है, तो उनमें से ये भी एक प्लांट है जो कि काफ़ी कॉस्टली मिला। बट आजकल सारी नर्सरीज़ इन प्लांट से भरी हुई हैं, तो मैं रोक नहीं पाई अपने को, और मैंने ये वाला पॉन्सेटिया का कलर ले लिया जो कि काफ़ी हेल्दी है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। और अभी कुछ दिन तो मैं इसी पॉट में रखने वाली हूँ, और काफ़ी इसको कुछ थोड़े दिन इसी में रखने के बाद ही मैं इसको रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि प्लांट का साइज़ बिल्कुल ठीक है। और ये देखिए दूसरा प्लांट है, एक ड्रेसना फ्रेग्रेंस का प्लांट है, और ये भी ठीक ठाक ही पॉट में है। और ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है और इंडोर प्लांट है जो कि छांव में रखने वाला प्लांट है, और ये प्लांट भी काफ़ी कॉस्टली है। ये मुझे 450 का पड़ा है, और बहुत ही दिनों से मैं इसको लेने का सोच रही थी। ड्रेसना फ्रेग्रेंस और विक्टोरिया प्लांट भी हम इसे कह सकते हैं। और बहुत दिनों से मैं नर्सरीज में इसको ढूंढ रही थी, तो उसके बड़े बड़े जो प्लांट हो जाते हैं उनकी कॉस्ट तो 1500-2000 कुछ भी हो जाती है, काफ़ी महंगे हो जाते हैं। तो एक उस हिसाब से काफ़ी छोटा प्लांट ही था, तो 450 का मिला मुझे जो मैंने ले लिया। इसको भी मुझे इसी प्लांटर में ही रखना है काफ़ी दिनों तक, और काफ़ी दिनों के बाद ही इसे मैं रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि साइज़ ठीक ठाक है प्लांटर का। और ये परचेजिंग भी बहुत ही अच्छी है, काफ़ी कॉस्टली है प्लांट, बट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, तो मैंने ये ले लिया। क्योंकि आजकल तो वैसे नर्सरीज़ जो हैं वो सीजनल फ्लावर्स वाले प्लांट से भरी हुई हैं, बट मैं ये इस तरह के प्लांट भी ढूंढती रहती हूँ जो कि हमारे साथ हमेशा रहें, पेरेनियल प्लांट हों, और कुछ इंडोर प्लांट भी मुझे चाहिए थे, तो उसमें मेरी पहली पसंद यही प्लांट था, तो मैंने इसको भी उठा ही लिया। अब मैं आपको दूसरा प्लांट दिखाती हूँ, ये भी मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी और काफ़ी कॉस्टली प्लांट है। ये है बर्ड ऑफ पैराडाइज प्लांट जो कि काफ़ी कॉस्टली मिलता है नर्सरीज़ में, और ये भी मुझे 250 रुपये का मिला है। और ये प्लांट भी जब बड़ा हो जाता है तो नर्सरीज़ में और भी कॉस्टली बेचते हैं इसको। ये मुझे 250 रुपये का मिला, तो बहुत छोटा नहीं है, ये भी अच्छा खासा बड़ा प्लांट ही है, बट एक बैग में लगा हुआ है, तो मुझे इसको तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, और अच्छा खासा बड़ा प्लांटर मुझे इसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लांट जिससे कि अच्छा हो जाए, बड़ा घना हो, और बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लावर आते हैं, इसकी वजह से ही लोग इसको लगाना पसंद करते हैं। और बहुत ही यूनिक फ्लावर होते हैं इसके, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो बर्ड ऑफ पैराडाइज भी मुझे बहुत दिनों से चाहिए था, और ये उस हिसाब से रीज़नेबल प्राइस में ही मिल गया। और ये देखिए, ये स्नेक प्लांट की एक वैरायटी है जो कि नर्सरी वाला उसको वाइट स्नेक प्लांट कह रहा था, और ये ऑलमोस्ट वाइट सा ही है, नॉर्मल स्नेक प्लांट से अलग है, वाइट कलर का है स्नेक प्लांट, और ये मुझे 200 का पड़ा ये भी, और ये प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है, थोड़ा सा रेयर है। वैसे भी स्नेक प्लांट्स यहाँ पर कॉस्टली ही मिलते हैं, तो ये 200 का पड़ा जो कि ठीक ही है, सभी नर्सरीज़ में ऐसे ही मिलते हैं। नॉर्मल स्नेक प्लांट्स भी अच्छे खासे कॉस्टली ही होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी परचेजिंग है, और काफ़ी अलग सा स्नेक प्लांट है, तो ये भी मैंने ले लिया, और ये पॉट में ही लगा हुआ है, तो उसको भी जल्दी नहीं है मुझे रिपोर्ट करने की। अभी देखिए और भी बहुत सारी मेरी शॉपिंग बाकी है, और ये बहुत सारे मैंने बोगनविला के प्लांट्स लिए हैं,
ये मैंने बस ऐसे ही ले लिए, हालांकि मैं बोगनविला कटिंग से भी लगाती रहती हूँ, बट ये वाले मैंने ले लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 15-15 रुपीस के ही थे, तो मैंने इनको बस कलर ऐड करने के लिए अपने गार्डन में और छोटे पॉट्स में लगा के इनको बोनसाई रखने के लिए मैंने इनको जस्ट परचेज़ कर लिया, क्योंकि इतने सारे कॉस्टली प्लांट लेने के बाद थोड़ा सस्ता दिखा तो 15 रुपीज़ लगा कि इनको तो ले ही लेना चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए, तो मैंने ये सारे बोगनविला भी ले लिए। इसमें दो तो डबल कलर बोगनविला हैं और कुछ और कलरफुल भी हैं, और मैंने दो ये पॉट्स भी लिए हैं जो 50-50 रुपीज़ के में मुझे पड़े हैं, और दो सीमेंट के पॉट्स हैं ये, जिसको कि मैं इन प्लांट्स को लगाने के लिए अभी रख लूँगी, ये दो जो मैंने बड़े प्लांट्स लिए हैं। तो आज की मेरी परचेजिंग है जिसमें पॉन्सेटिया और ड्रेसना फ्रेग्रेंस तो बहुत ही अच्छे हैं, बड़ा पैराडाइज भी बहुत ही अच्छा यूनिक फ्लावर वाला प्लांट होता है, स्नेक प्लांट भी अच्छा है, और मैं आज की परचेजिंग से काफ़ी खुश हूँ और बहुत ही अच्छी परचेजिंग हो गई है। सारे प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत हैं और मेरे गार्डन में मुझे ऐड करने हैं। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।